हेलो एवरीबडी, मोस्ट वेलकम टू क्लास अपार्ट, योर वेरी ओन फेवरेट चैनल। आई होप आप लोग सभी इस चैनल पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आई होप ये चैनल आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सो हियर आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर बैक विद अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल व्हिच इज़ क्लास अपार्ट। तो बच्चों, आज हम आप लोगों का CBSE क्लास 7th की टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर एक्चुअली द एलियन हैंड का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, द डेजर्ट। तो देखते हैं इस आई मीन द टाइटल इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी, उससे पता चल जाता है कि ये जो चैप्टर है ये डेजर्ट के बारे में है। डेजर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी इस चैप्टर में। सो यस बच्चो, लेट्स गो अहेड, लेट्स लर्न अबाउट द डेजर्ट। चलिए, सो बिफोर आई गो अहेड, यू ऑल कैन एस योर स्कूल एग्जाम्स विद द अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SOS10 टू बाय योर सब्सक्रिप्शन टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। चलिए, मोस्ट वेलकम टू योर इंग्लिश एजुकेटर सेशन। मे यू ऑल नो माई नेम, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एंड आई एम सोनम सूद एंड आई कम विद 4+ years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। जस्ट अ सेकेंड, या ओके, कूल। सो बच्चों, आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी 6 पर देखा होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी 6 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आई एम वेरी सॉरी, माई डॉग ब्रूनो इज डिस्टर्बिंग मी, इज डिस्ट्रैक्टिंग मी रादर, नॉट श्योर व्हाट मिस्चीफ इज ही अप टू, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, सो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी क्लास 6 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ हियर इट इज़ बच्चों, बग्स बाउंटी, इट इज़ एक ऐसा इनिशिएटिव है ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जहाँ अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन इज गाइज अन अकेडमी आस्क अ डाउट, एक ऐसा फीचर है ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जहाँ पर आप घर बैठे बैठे पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स, और आपको जवाब में मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो बहुत ही इंस्टेंट होंगे और बहुत ही एक्यूरेट होंगे। चलिए मैं बता देती हूँ आपको ये फीचर यूज़ कैसे करना है। गो टू द अन अकेडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, फिर आप लोग अपने डाउट की एक पिक्चर क्लिक करें, उस पिक्चर को क्रॉप करें, फिर अपना सब्जेक्ट मैच करें, यानी कि वो डाउट कौन से सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट को मैच करें, एंड देन सेंड इट अक्रॉस, विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर। चलिए बच्चों, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस गो अहेड एंड लर्न अबाउट द डेजर्ट। Okay, those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Of course, obviously, हम लोग जो hills, मतलब जो you know greenery वाली जगहों पर रहते हैं, हमारे लिए imagine करना बहुत मुश्किल है कि desert होता कैसा है. I mean, obviously, even I find it very hard to imagine. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. यही है ना, हम लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि एक बहुत ही लंबा सैंड का स्ट्रेच है जहाँ पे ना ही बारिश होती है ना ही कुछ ग्रीनरी है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। हम यही सोचते हैं कि एक बैरन ड्राई लैंड है, वहाँ पे बस सैंड ही सैंड है, बट नॉट रियली, इट्स नॉट रियली लाइक दैट, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, बिल्कुल सही, ऐसा कम्प्लीटली होता नहीं है। Those who have studied it, the desert can be a beautiful place. तो जिन लोगों ने एक्चुअली में डेजर्ट के बारे में स्टडी की है उनके लिए डेजर्ट एक बहुत ही खूबसूरत जगह हो सकती है, राइट। इट इज़ अ होम टू अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, the desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. So bilkul sahi, to ye to baat bilkul sach hai ki desert pe koi green cover nahi hota, forest nahi hote, plants nahi hote, ye baat bilkul sach hai, lekin you know wahan pe I agree dry or hot conditions hote hain, but जब भी कभी डेजर्ट में बारिश होती है तो वो जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं डेजर्ट में, दे रियली ब्लूम अ लॉट एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट्स फॉर अ फैक्ट। सो डेजर्ट इज रियली एन इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर दोज हु लव टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। तो बिल्कुल सही, डेजर्ट हमेशा ड्राई नहीं होता, एक प्लेन वेस्ट लैंड नहीं होती जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, वहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स भी होते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट कि माउंटेन्स और हिल्स जो है वो होते किसके।
इट मे हैव ओएसिस. ओएसिस क्या होते हैं? वाटर बॉडीज इन डेजर्ट्स. जो फर्टाइल एरिया होता है उसको ओएसिस कहा जाता है. इट मे हैव ओएसिस बिग और स्मॉल. एंड ओएसिस इज अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. सो होता क्या है, ओएसिस क्या होता है कि एक ऐसा फर्टाइल लैंड होता है डेजर्ट में जो बिल्कुल ग्रीन होती है और वो इतनी फर्टाइल होती है कि इट गिव्स अ चांस फॉर, क्योंकि पानी भी होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे यू नो ट्रीज और प्लांट्स को उगने का एक मौका मिलता है. तो क्लाइमेट कैसा होता है डेजर्ट का? द डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक थार और कोल लाइक लद्दाख. तो थार डेजर्ट जैसा गर्म हो सकता है या फिर लद्दाख जैसा ठंडा हो सकता है. बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज लिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. तो बिल्कुल सही, जहाँ पे जिस जगह में पानी और वेजिटेशन, पानी और ग्रीनरी नहीं होता है, उस जगह को यूजुअली लोग डेजर्ट कहते हैं. चलिए, सो ये देखिए बच्चों, हम लोग जैसे डेजर्ट को इमेजिन करते हैं, हमको लगता है डेजर्ट ऐसा होता है एकदम ड्राई लैंड होती है, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, बट नॉट रियली. वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, लोग रहते हैं, कुछ ट्रीज भी होते हैं अगर आप ऑब्जर्व करें, एक माउंटेन्स, हिल्स, यू नो दिस इज हाउ इट इज एंड इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. तो होता क्या है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई डेजर्ट जो है वो प्लेन होता है, बट ऐसा नहीं होता. कई बार क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसकी वजह से ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपॉजिशन होती है, सैंड के माउंट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो सैंड के माउंटेन्स से बन जाते हैं और ये माउंटेन्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं. हवा चलेगी तो इनकी लोकेशन शिफ्ट होती रहेगी. इट्स नॉट लाइक अ रॉक माउंटेन जस्ट स्टेबल. और ये जो जोर की जो हवाएं चलती हैं डेजर्ट में, इनकी वजह से वो शिफ्ट होते हैं, इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो होता क्या है बच्चों की डेजर्ट में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अडैप्ट कर लेते हैं डेजर्ट के एनवायरनमेंट को, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है तो वो अडैप्ट कर लेते हैं वैसे ही जगह पे रहने को. एंड दे स्टार्ट लिविंग, आई मीन दे लर्न हाउ टू लिव इन सच एनवायरनमेंट इज वेल. सो दिस इज व्हाट इट इज. तो कई सारे प्लांट्स होते हैं विच develop the ability to require less water than most plants and animals. So कई सारे plants होते हैं, they will develop the ability to require, उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी. बट कई सारे होते हैं जो नहीं desert, जो desert में already होते हैं ना, they will, वो अपने आप को adapt कर लेते हैं कम पानी में. तो camel हम सबको पता ही है, is called as the ship of the desert. ठीक है, तो it can drink a lot of water at one time. Camels, my god, my Bruno has grown crazy. Camels can do without water for days altogether. हम सबको पता है कि camels कितने कितने दिनों तक they can survive without water, right? हमने class 6 में भी पढ़ा था that camel जो होता है एक बारी में कितने gallons of water पीता है, right? I don't remember the exact number though, but yes, camels drink a lot of water in one go and then they can survive without water for months altogether. The reason is they sweat by little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain water they drink for long periods of time. तो ये रीज़न होता है कि कैमल्स बहुत बहुत दिनों तक बिना जो है पानी के भी ज़िंदा रह सकते हैं, बिकॉज वो स्वेट नहीं करते. एंड जब वो स्वेट नहीं करते तो उनकी बॉडी से पानी का लॉस जो होता है वो नहीं होता है. उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है अपनी बॉडी का टेम्परेचर को कम करने की. जैसे हमें बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत होती है तभी हम लोग की स्वेटिंग होती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की. वो गर्म टेम्प, मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, वो उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दे कैन रिटेन सो मच वाटर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. चलिए, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर.
they burrow underground during hot day and come out at night. तो जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो पानी पीते ही नहीं है, वो जो है नो नॉट पानी नहीं पीते सॉरी, वो मतलब पानी वो दोपहर में उनको जब बहुत गर्मी लगती है तो वो दिन के टाइम में जो है बरो बनाते हैं और डेजर्ट के नीचे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, और रात के टाइम में जब ठंडा होता है तो वो बाहर निकल आते हैं. ओके, सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. तो कई सारी, तो अगर आप छोटे देखें यहाँ पे ऑब्जर्व करें, बहुत सारे छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, तो कई सारे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाकर उनकी बॉडी में जो मॉइस्चर होता है उससे उनका वाटर कॉन्टेंट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है. और कई सारे जो बाकी होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खा लेते हैं, छोटे छोटे डेजर्ट प्लांट्स को, उससे उनकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है. सो दैट्स हाउ दे सर्वाइव. ओके, डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीव. तो ना ही सिर्फ डेजर्ट के एनिमल्स, डेजर्ट के प्लांट्स भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल. द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डेजर्ट्स इज ऑफकोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. तो जो कैक्टस होता है ये बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने रूट्स के थ्रू, ठीक है. उसके रूट्स जो होते हैं वो ग्राउंड के सरफेस वाटर से बहुत पास होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. और उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी देर तक, जब तक बारिश नहीं होती, जो उसके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है. राइट, yeah, that's about it. So in humid climates the moisture of air acts like a blanket and protects the earth's surface from hot rays of sun. In the absence of this blanket in desert land causes blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during day and cool off rapidly at night. So normally kya hota hai bachcho, jaise hum log जो भी ग्रीनरी वाले, जो लोग जो ग्रीनरी वाले एरिया में रहते हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट तो होता ही है. तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो एक्ट करता है शील्ड, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है टेम्परेचर को बढ़ने से. राइट, बट डेजर्ट जहाँ पे मॉइस्चर की शील्ड नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दिन में बिकॉज मॉइस्चर शील्ड इज एब्सेंट तो वो दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है. Deserts are important part of nature's great plan. They are like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of earth. बिल्कुल सही. Deserts basically बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही अच्छा पार्ट है अर्थ का. गॉड ने बहुत ही प्यारी चीज बनाई है. Just because they are dry doesn't mean they are useless to earth. Yes, that's about it. चलो बच्चों, बिफोर गोइंग लेट मी टेल यू, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फीचर्स हैं, यूज़ करिए, ठीक है. घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. और इस सब का प्राइस 2 साल 25,000, 18 महीने 20,000, 15 महीने 18,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. देन बच्चों, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या फीचर्स हैं, पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. एंड व्हाट्स द प्राइस, 2 साल 48,000, 18 मंथ्स 35,000, 15 मंथ्स 32,000. एंड इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. देन बच्चो, यूज SPSO10 टू जॉइन फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी ऐप. Thank you so much, bachcho. Download the app from the Google Play Store or App Store. Like, share and subscribe. Bye, bachcho. Let's crack it together with Class Apart and Unacademy. Bye-bye.